ट्रेनिंग ना मेरे को गंदा थका रही है। फिलहाल मुझे कम से कम 10 घंटे की नींद लेनी पड़ रही है रिकवर करने के लिए। गाइस, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर, और ये है पावर लिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन एपिसोड नंबर 2। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की डाइट शेयर करने वाला हूँ, जिसके साथ मेरा गोल है वजन घटाने का और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को एक कम्पिटिटिव लेवल पर लेके जाने का। इसके साथ साथ वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं पावर लिफ्टिंग की तैयारी के दौरान, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। So let's get started। तो फिलहाल मैं 2700 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो है कुछ 200 ग्राम प्रोटीन, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 80 ग्राम फैट्स। ये पहले मील में सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने मील्स को कुक करने से पहले करता हूँ वो है अपने पूरे दिन के खाने के लिए कितना तेल मुझे इस्तेमाल करना है वो मैं एक कटोरी में निकाल लेता हूँ। फिलहाल मेरे को अपने दिन का सारा खाना बनाने के लिए 15 ग्राम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से कुछ हिस्सा मैं अभी ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बनाएंगे 2 होल एग्स और 3 एग वाइट की भुर्जी। पिछले कई सालों से मैं ऑमलेट खा रहा था, और ऑमलेट खा कर मैं पक चुका हूँ, मेरी ज़बान उसका टेक्स्चर ही अब एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसलिए मैंने भुर्जी पर शिफ्ट मारा है। तो जब तक अंडे कुक हो रहे हैं मैं अपने लिए आलू बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, आधा किलो आलू उबाल कर उसे ऐसे मैश करके रख लेता हूँ, और इसमें से आधा हिस्सा मैं ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करता हूँ और आधा डिनर में। इसे फ्लैट करके टोस्टर के अंदर रख दीजिए 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में बोरिंग से आलू ऐसे क्रंची हो जाते हैं, इसको खाने में मज़ा आता है काफ़ी। और इसके साथ मैं 15 ग्राम नट्स ऐड करूँगा। ब्रेकफास्ट में मैं एक स्कूप वे प्रोटीन भी कंज्यूम करता हूँ। हल्की सी तंदूरी मेयोनीज लगाकर उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो अब मैं आपके साथ अपना सप्लीमेंट स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, वे प्रोटीन आइसोलेट, क्रिएटीन प्री वर्कआउट, विटामिन D3 और अश्वगंधा। तो ये 5 सप्लीमेंट तो बेसिक मसल बिल्डिंग और रिकवरी के काम आते हैं। मल्टी विटामिन मेरी डाइट में अभी नहीं है, क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स खा रहा हूँ। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है अगर आप पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हो वो है आपके जॉइंट रिकवरी सप्लीमेंट्स। और क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार फुटबॉल भी खेलता हूँ तो मेरे जॉइंट्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, और इसीलिए मैं ये 4 जॉइंट सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। फिश ऑयल, ये फिश ऑयल गोल्ड है। इसमें फ़र्क ये है कि ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म का फिश ऑयल होता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा बायो अवेलेबल रहता है। विटामिन सी, अगेन ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जॉइंट हेल्थ एंड इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये है मसल डेज का जॉइंट सपोर्ट। इसमें 1500 mg ग्लूकोसामाइन, 600 mg कॉन्ड्रोइटिन, 600 mg MSM, बॉस्वेलिया, कर्क्यूमिन और हाइलोरोनिक एसिड है। अब ये जो सेम कॉम्बिनेशन है ये आपको केमिस्ट शॉप पर भी मिल जाएगा, बट वो इससे 3 गुना ज़्यादा महंगा होता है। और इस चीज़ का मुझे रिसेंटली बहुत फ़ायदा हुआ है, जो है मरीन कोलाजन। ये एक्चुअली जॉइंट हेल्थ को काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देती है। मैंने अपने एक एल्डरली पेशेंट को भी ये रिकमेंड करा था, तो उनको भी जो नी पेन था उस
उसमें काफी आराम आया। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई तो इतने सारे सप्लीमेंट्स नहीं ले पाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप बजट में क्या क्या ले सकते हो। तो विटामिन D3 और क्रिएटिन तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी फूड आइटम से आपको नहीं मिलते हैं। साथ में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्री वर्कआउट एंड वे प्रोटीन के लिए जो फ्यूल वन सीरीज है मसल बिल्ड की, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जॉइंट सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो बजट में फिश ऑयल गोल्ड एंड विटामिन सी। अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, कहीं पर इंजरी है, तो कॉलेजन पहले ऐड कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंस्टेंटेनियस रिलीफ देता है। और बेस्ट यही होगा कि आप इन चारों जॉइंट सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर मेरे पास लिमिटेड बजट होता तो मैं सिर्फ ये सारे जॉइंट सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 और क्रिएटिन लेता। तो कल मेरा हेल्थ कार्ड का एक शूट है, जिसकी 11 पेजेस की स्क्रिप्ट मुझे याद करनी है, और अभी तक मैंने एक भी पेज याद नहीं करा है, तो अभी वही कर रहा हूँ। मिल्क में अप्रॉक्सीमेटली 8% प्रोटीन होता है, जिसके दो हिस्से होते हैं, केसीन और वे। चलिए अब लंच का टाइम हो गया है, तो अब बारी है लंच की, और लंच के लिए मैं राइस और चिकन कंज्यूम करता हूँ। और आज मैं आपको एक बहुत ही आसान चिकन ब्रेस्ट रेसिपी बताने वाला हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई भी इस तरह का ग्रेवी मेकर या सूप मसाला चाहिए। इसके बाद आप अपने चिकन को 3 कप पानी में बॉईल कर लीजिए। 10 मिनट के बाद आप उसमें मसाला ऐड कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, और 5 मिनट और उसको कुक होने दीजिए, और तैयार है आपका सॉफ्ट और डिलीशियस चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप उसको कुक करते हो तो उसका मॉइस्चर उड़ जाता है, और वो फिर च्यूई सा हो जाता है, एकदम च्यूइंगम जैसा हो जाता है। इस रेसिपी का फ़ायदा ये है, क्योंकि आप इसको पानी के अंदर ही कुक करते हो, तो जो आपका चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। उसको बनाना भी बेहद आसान है, तो इसको ट्राई कीजिए और इंस्टाग्राम पर मेरे को बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बाय द वे, इस मील में मैं 200 ग्राम रॉ चिकन ब्रेस्ट और 100 ग्राम रॉ राइस कंज्यूम कर रहा हूं, और ये है उसके मैक्रोस। फिलहाल मैं हर रोज स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट के 2 सेट परफॉर्म कर रहा हूं, 3 रेप्स के साथ। जो वेट है वो अभी बिल्कुल भी मेरे 1 रेप मैक्स से क्लोज नहीं है। अगर आप पावरलिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हो तो Day 1 से आपको हैवी नहीं लिफ्ट करना है, आपको स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट के साथ कंफर्टेबल होना है। मैं कई महीनों से परफॉर्म कर रहा था ये लिफ्ट, अभी डेली परफॉर्म कर रहा हूँ। जो ऐसे करेक्टिव टिश्यूज है उनको इसकी आदत हो जाए। लोअर बैक काफी सोर है, तो आज स्क्वाट में 120 ही उठाऊंगा। बेंच प्रेस पर मैंने एक चेंज कराया है, मेरी नॉर्मल ग्रिप करीब इतनी होती थी, बट मेरे कोच ने कहा कि वाइड ग्रिप से बेंच प्रैक्टिस करना शुरू कर, तो अभी मैं वाइड ग्रिप बेंच कर रहा हूँ। ये टेक्निक न्यू है मेरी बॉडी के लिए, तो मुझे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, और इस पर वेट उतना ज़्यादा नहीं उठ रहा मेरे से, बट जैसे जैसे बॉडी को आदत पड़ जाएगी तो इस पर भी मैं वापस।
जस्ट कि मैं अपने ट्राइसेप्स उतने नहीं यूज़ कर पा रहा वाइड ग्रिप के साथ। बेंच पर 100 केजी लिफ्ट करना है आज। इस वाइड ग्रिप पर 100 केजी भी 110 जैसा फील होता है। When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps tripping me after I'm old. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know. Arch, काफी बढ़िया बनी है सेट। सुमो में आज 180 से 3 सेट। Voices in my head seem so loud. Never know what they're talking about. Now I've got you under my skin. I feel this melting. You got my body feeling things even I can't resist. स्क्वाट बेंच और डेडलिफ्ट के बाद अब एक फुल बॉडी वर्कआउट लगाना है जिसमें मैं परफॉर्म करूंगा वेटेड चिनअप्स, मशीन प्रेस, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशंस और इंक्लाइन बेंच आर्नल्ड प्रेस। ये जो मेरा वर्कआउट है ये मेरा फ्लोटिंग वर्कआउट है, ये मेरा मेन प्रेप वर्कआउट नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ आदत डाल रहा हूँ स्क्वाट बेंच और डेडलिफ्ट की। तो मेन पावर लिफ्टिंग वर्कआउट होगा वो अभी अगले हफ्ते से चालू होगा। Don't you know you make me nervous as hell? Always been afraid of letting go. You cut me open, told me a side of me, even I didn't know. Alright guys, so I'll see you at the post-workout meal. Post-workout meal mein main 30 gram muesli, एक स्कूप वे, दो केले, और 15 ग्राम पीनट बटर को ऐसे मिक्स करके एक बाउल में कंज्यूम करता हूँ। ये मेरा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों मील बन जाता है। यूजुअली जब मैं ऑफिस जाता हूँ वीकडेज पर तब ये मेरा प्री वर्कआउट मील होता है। और अब बारी है मेरे फेवरेट मील की। इसमें है 100 ग्राम रॉ राइस, 200 ग्राम मटन और 250 ग्राम आलू जो सुबह बच गए थे।
इस मील को बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो मटन है इसे बहुत ज़्यादा कुक करना पड़ता है। तो इसे कुक करने के लिए मैं गरम तेल में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करता हूँ और प्याज। जब ये दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और नमक ऐड करता हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें आप मटन ऐड कीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कुक करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा टैंगी टेस्ट ऐड करने के लिए मैं इसमें एक चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड करता हूँ और उसके बाद इसे मैं धीमी आँच में 20 मिनट पकने देता हूँ। आपको इसे पकाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कम पका के इसे खाओगे तो इतने पाद आएंगे कि आपकी घर की दीवारें पिघल जाएंगी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मजा आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी एक दूसरे के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।